हाय एवरीवन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बहुत ही इजी मेकअप कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपको पहले लगानी है उसके बाद क्या लगाना है तो बहुत ही आसान है इसको करना ये मेकअप तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आईब्रो बना लेते हैं और मैंने इसके लिए यहाँ पे ये बेनिफिट का आईब्रो पोमेड यूज़ किया है आप चाहें तो इसके जगह पर कोई आईब्रो पेंसिल भी ले सकते हैं नहीं तो कोई दूसरा आईब्रो पोमेड ले सकते हैं मे वगैरह का लोरियल में जो कि थोड़े ज़्यादा अफोर्डेबल हैं तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ करा है और इससे आईब्रो आपकी बहुत अच्छे से फिल हो जाती है अगर आपके कुछ चोट वगैरह का भी निशान है आईब्रो पे या कहीं पे बाल कम है तो भी आप इससे बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं नहीं तो आपको एक नेचुरल फिनिश चाहिए है तो आप आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आईब्रो पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है तो वो आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है सबसे पहले और ये लोरियल का कंसीलर है आप चाहें तो शुगर वगैरह का भी कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं और हमेशा जब भी कंसीलर आप लीजिए तो जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइट कलर में होना चाहिए जिससे कि जो भी आप आई के ऊपर लगाएंगे वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा उसका शेड पिगमेंट वग़ैरह तो बिल्कुल लाइट शेड का आपको लेना है कंसीलर और कंसीलर आपका मैट फिनिश और फुल कवरेज होना चाहिए बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड कंसीलर आपका नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका आई मेकअप बिल्कुल मैसी हो जाएगा थोड़ी देर में तो इस तरह से कंसीलर आपको चूज़ करना है उसके बाद ये जो शेड आप देख रहे हैं मैंने पैलेट लिया था और ये शेड मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा रही हूँ मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा कलर में लेकर और इसको इस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो इस तरह से लगा लेंगे हम इसको अब ये दूसरा मैंने शेड लिया है थोड़ा सा इसको डेप्थ देने के लिए और यहाँ पर ये पिंक वाला शेड इसको भी मैं सेम मैंने ब्रश यूज़ करा है बार बार हम इसको ही थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और दोबारा से ये ब्रश लेकर ये वाला शेड लेकर और हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको लगाना है एक बार में बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना और इसी को ही मैं आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा लगा रही हूँ ये वाला शेड और अब मैंने ये मरून वाला शेड लिया है इसी पैलेट में से और इसको मैं आउटर थर्ड में लगाऊंगी इस तरह से ये जो मैंने ब्रश लिया है ये पेंसिल ब्रश है और आप इसकी हेल्प से इस तरह से आई शेडो लगा सकते हैं लोअर लैश लाइन में बहुत इजीली इससे आप लगा सकते हैं आई शेडो तो इस तरह से इसको हमें सिर्फ बाहर की तरफ लगाना है और हल्का सा यही कलर लेके हमें बाहर बाहर की तरफ ही उसको ब्लेंड करना है और अब ये मैंने रोज़ गोल्ड वाला शेड लिया है इस पैलेट में से और जो भी कुछ ब्रांड वगैरह आपके पास है कोई भी दूसरा ब्रांड आप ले सकते हैं यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से ये वाला शेड लेकर मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इन दोनों को आपस में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम और इस तरह से टेप मैंने लगाया था तो हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक तो आउटर वी भी बन गया है दूसरे आपको लाइनर लगाने में भी बहुत ईजीली आप लगा लेंगे तो ये जो लाइन बनी है इसी लाइन को हमें फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे अब हम लाइनर लगा देंगे इस तरह से तो इधर इस तरह से मैं एक विंग्ड लाइनर मैं बना रही हूं तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम बना देंगे और मस्कारा लगा देंगे अब हम यहाँ पर और ये मैंने वट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया है आप चाहें तो लेकमे वगैरह का भी आप मस्कारा यूज़ कर सकते हैं और स्किन पर अब सबसे पहले मैं यहाँ पर फेशियल सीरम लगा रही हूँ और ये मैंने डॉक्टर ऑर्गेनिक का फेशियल सीरम लिया है आप कोई भी दूसरे ब्रांड का सीरम आप ले सकते हैं जो भी आपके पास में अवेलेबल हो जो भी मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाए और सीरम लगाने के बाद एक तो बहुत ज़्यादा बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए दूसरे लगाने के बाद हमें अच्छे से फेस पर मसाज करना है जिससे कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए हमारे स्किन पे अगर ये ऊपर ऊपर रहेगा ज़्यादा ऑयली ऑयली फ़ील होगा तो आपका बेस ख़राब हो सकता है इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से उसको मसाज करके बिल्कुल स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाना चाहिए और प्राइमर अब मैंने यहाँ पर लगाया है ये शुगर का प्राइमर है और इससे आपके पोर्स वग़ैरह अच्छे से फिल हो जाएंगे और फाउंडेशन मैंने ये लिया है शुगर का जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का स्टिक फाउंडेशन है इसमें एक तरफ और एक तरफ ये ब्रश है तो बहुत ही कन्वीनियंट है ये लगाने में भी बहुत आसान है दूसरे अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है उस हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है ये तो ओवरऑल ये फाउंडेशन इसका एक फुल कवरेज है तो इस तरह से मैंने इसको लगाया है और ब्रश मैंने लिया है रियल टेक्निक्स का और इसको इस तरह से हम ब्लेंड कर देंगे तो बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएगा आइज़ के नीचे हमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगाना है हल्का करके ही लगाना है और बाकी फ़ेस पर हम इसको इस तरह से ब्लेंड कर देंगे फाउंडेशन को तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से लग गया है ये पूरे फेस पर हमारे इसी तरह से हमको फोरहेड पे भी करना है और यहाँ कंसीलर भी मैंने ये शुगर का ही लिया है और ये लाइट कलर का कंसीलर है मतलब अंडर आइज़ अगर आपको लगाना है तो एक से दो शेड कंसीलर आपका लाइट होना चाहिए अगर आपको कोई ब्लेमिश वगैरह कोई स्पॉट वगैरह उनको हाइड करना है तो आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ कंसीलर आपका होना चाहिए और मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर जो है हमारा ये डैम्प है मतलब इसको हमें गीला करके निचोड़ देना है और लूज़ पाउडर जैसे आपने अभी देखा हमको बिल्कुल इस तरह से लगाना है इसको अच्छे से लगा कर हमको अपनी ब्यूटी ब्लेंडर पे और उसके बाद हमें एक्सेस निकाल के और यहाँ पर इस तरह से मैं लगा रही हूँ तो बिल्कुल भी क्रीजिंग नहीं होगी और ये आपको तुरंत ही करना है जब भी आपने कंसीलर लगाया है उसको रख के छोड़ना नहीं है उसके तुरंत बाद ही आपको ये करना है और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी करके आप लगा सकते हैं और पूरे फेस पर हमको आ, मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया है जिससे कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए और आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लाइट है या डार्क है अगर जैसा भी आपके कॉम्पैक्ट का कलर होगा अगर लाइट है तो फेस आपका बहुत लाइट लगेगा नहीं तो डार्क लगने लग जाएगा भले ही फाउंडेशन आपके स्किन टोन का है तो कॉम्पैक्ट आप देख कर चूज़ कीजिए यहाँ पर मैं कॉन्ट्योरिंग कर रही हूँ और ये पाउडर कॉन्ट्यूरिंग है बहुत ही ईजी होता है इसको करना तो इस तरह से करके हल्का सा हाथ ऊपर की तरफ भी ले जाके ब्लेंड करना है जिससे एकदम बस एक, एक स्ट्रेट सी लाइन ना लगे वो ब्लेंडेड मर्ज ऐसा लगना चाहिए स्किन में तो इसको भी हमें एक बार में बहुत सारा लेकर नहीं लगाना है थोड़ा थोड़ा करके लगाना है यहाँ जॉ लाइन पे और हल्का सा मैंने फोरहेड पे भी लगाया है फोरहेड अगर आपका बहुत छोटा है तो आप उसको मत लगाइए और नोज़ के लिए ये मैंने शुगर का लिया है और इसको इस तरह से हम लगा देंगे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है अपने नोज़ के हिसाब से और मैं पेंसिल ब्रश मैं यूज़ करती हूँ तो ये मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसको इस तरह से बहुत ही लाइटली इसको ब्लेंड कर दूंगी यहाँ पे मैंने नोज़ पे पाउडर नहीं लगाया था तो पाउडर मैं इसको सेट करने के लिए नोज के ऊपर बाद में लगा दूंगी और अगर आपके पास ब्रश वगैरह नहीं है आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं उसको इस तरह से यूज़ करके आप ब्लेंड कर सकते हैं और आइस पे चलते हैं दोबारा से और ये शेड लिया है मैंने और इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ ये लाइट ब्राउन वाला शेड है और अब ये जो गोल्डन शेड है इस पैलेट में तो अब मैंने इसको लिया है और मैं फिंगर से ही इसको लगा दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा फ्रॉस्टी शेड है काफ़ी सुंदर शिमरी सा शेड है ये तो मैंने फिंगर से ही लगाया है इसको और यहाँ पे मैंने ये कीको की पेंसिल ली है आई पेंसिल न्यूट कलर की आप चाहें तो यहाँ पर काजल भी यूज़ कर सकते हैं आईज इससे बड़ी लगती है न्यूड पेंसिल लगाने से तो मैंने इसको लगाई है और मस्कारा मैंने लगा दिया है दोबारा से अब और ये वाला शेड लेंगे अब हम यहाँ से और इसको मैं इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ और आईब्रो के नीचे भी इसी को ही मैंने लगाया है और लैशेज़ मैंने अब लगा दी हैं यहाँ पर और अगर आपको लैशज़ लगाना नहीं आता है तो मैंने वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है कैसे आप बहुत ही आसानी से लैशेज़ लगा सकते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं और अब ये ब्लश लिया है मैंने और मेबिलीन का ब्लश है ये और इसको इस तरह से हम लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका जो कॉन्टूरिंग है ब्लश है हाईलाइट अलग अलग सब होना चाहिए ये तीनों चीज़ें आपस में मर्ज होती हैं तो कॉन्टूरिंग के ही ऊपर अगर आपका ब्लश आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरह से आप इसको लगा दीजिए और ब्लश के ऊपर ही आपका हाईलाइट भी आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से और ब्लश अगर आपको कम लगता है आप इसको हल्का सा बाद में थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हमने हाईलाइट नोज़ पर चीक्स पर हल्का फोर हेड पे और नोज के टिप पर मैंने इस तरह लगाया है हल्का सा कंसीलर मैं लगा रही हूँ जिससे कि लिपस्टिक हमारी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और अच्छे से लग पाएगी और लिपस्टिक यहाँ पे मैंने कलर पॉप की ली है लिक्विड लिपस्टिक आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरी लिपस्टिक या फिर कोई भी दूसरे ब्रांड में आप ले सकते हैं तो ये मैंने यहाँ पर लगाई है और बस यहाँ पे मेकअप खत्म हो गया है आ, सारे स्टेप्स के साथ में तो ज़रूर आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोस के लिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मुझको आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा थैंक यू वेरी मच